अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी सिवैयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सिवैयाँ लिए हाफ़ पैकेट, दूध लिया है 1 कप, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जिसपे थोड़ी मलाई आ जाती है, नहीं तो आप दूध सादा भी ले सकते हैं। 1/4 कप चीनी ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। सिवैयाँ घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, अगर आप तेल में बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और 1 अदद मैंने इलायची ली है, इसको बीच में से इस तरह से तोड़ लेना है। सिवैयों को पहले बीच में से हमने छोटा कर लेना है, तोड़ के कुछ इस तरह से। अब पतीले में सबसे पहले घी शामिल करेंगे और इसमें इलायची डालकर कड़कड़ाएंगे, यानी इलायची डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए चला लेना है, ताकि घी में इलायची की खुशबू हो जाए। अब इसमें सिवैयाँ शामिल कर दीजिए। और सिवैयों को हमने जो है थोड़ी देर के लिए भून लेना है, इसे इतनी देर के लिए भूनना है कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें चीनी डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें दूध भी डाल देंगे। बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर से ही मिक्स कर लें कि चीनी और दूध जो है मिक्स हो जाए। अब ढक्कन ढक के इसे हमें तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेना है, और आँच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है, जैसे कि दम की आँच होती है। ये देखिए, अब ये तैयार हो चुकी हैं। जब इसका पूरा जो दूध है इसमें खुश्क हो जाएगा तो सिवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर से दूध डाल के सर्व कीजिए, और ऊपर से बादाम पिस्तों से भी गार्निश कर सकते हैं, और अगर आप इस पे दूध की मलाई या फिर टेट्रापैक क्रीम डालेंगे तो ये तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।